हे ऑल, दिस इज अर्चना फ्रॉम आरिश्य मेकओवर्स। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ट्यूटोरियल रजवाड़ी लुक का, जिसमें कि मैं पूरा सा पूरा कोशिश करूँगी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए जिससे आपको इजीली ये सब मेकअप दिखे। और प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्टिंग में बता रही हूँ, जैसे कि आज देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल हमारी मॉडल है सानिका, और सानिका के फेस थोड़ा सा ऑयली है कंपेरेटिवली बाकी लोगों से। तो हम इस पर कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इनके मेकअप के साथ। हमने सबसे पहले वेट वाइप लिया और वेट वाइप से फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया। आप जानते हैं वेट वाइप बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। उसके बाद हमने साथ ही साथ टोनिंग किया। टोनिंग के बाद में एक्वाब्लास्ट, जो कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर ऐसे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ किया और थोड़ी देर के लिए हम उसे रेस्ट करने देते हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया एम्ब्रोलाइज, जो कि अपने आप में एक प्राइमर का भी और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। इधर आपकी स्किन हो, मॉइस्चराइजिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सबको अच्छे से पता है। हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से, बिकॉज थोड़ा सा आई मुझे हेवी करना है, थोड़ा वर्क करना है, तो मैं आईज़ के साथ स्टार्ट करती हूँ। मैंने बहुत कम अमाउंट में उनके आईब्रोज़ को डिफाइन किया है, क्योंकि मुझे बहुत हेवी और ड्रामेटिक लुक नहीं देना था। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से कोम कर लिया है आईब्रो ब्रश की मदद से। मैं बाद में यूज़ कर रही हूँ आई बेस, जो कि आईवरी शेड फ्रॉम क्रायलन स्टिक है, उसको मैंने अच्छे से लगा लिया और मर्ज कर लिया। उसके बाद मैं जाऊँगी एकदम लाइटर शेड फ्रॉम कार्निवल पैलेट, उसमें का लाइटर शेड ब्राउन यूज़ किया है, लाइट ब्राउन यूज़ किया है। उसको मैं ऑल ओवर सॉकेट पर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर दे दूँ आँखों में। उसके बाद मैं डार्क पिंक शेड ले रही हूँ और मैं एग्जैक्टली उसी के ऊपर से ओवरलैप करके उसे अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, ताकि वो ब्लेंड हो जाए और कहीं से लगी ना कि हमने कहाँ से यूज़ किया है। सो उसके बाद मैं ले रही हूँ इनर साइड में कट क्रीज के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं इंग्लॉट का व्हाइट जेल लाइनर, जो कि अपने आप में बेस्ट जेल लाइनर मुझे लगता है। और उसके बाद हम इसे हाफ कट क्रीज देंगे, हाफ कट क्रीज को अच्छे से मर्ज करेंगे। थोड़ा सा मैंने इस बार फिंगर की हेल्प की, थोड़ा ड्राई हो रखा था इसलिए। उसके बाद मैं एकदम इंटेंस लुक के लिए मैं येलो के साथ जाऊंगी। येलो और इनर कॉर्नर में मैंने लिया आइवरी कलर का एकदम लाइट शेड का आई शेडो, जो कि आपके आईब्रोज को आईज़ को और अट्रैक्टिव दिखा रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। येलो के बाद मैं जो पिंक कलर मैंने सॉकेट पे यूज़ करा था, सेम पिंक कलर मैं इनर आउटर कॉर्नर के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप होते आ रहे। फिर टू वे जेल लगाने के बाद मैंने उस पर थोड़ा सा लगाया है ग्लिटर्स, जो कि PSC कंपनी से गोल्डन ग्लिटर लगा के मैं ब्रश से अच्छे से उसको मर्ज कर रही हूँ, ताकि वो कहीं भी अनइवन ना लगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी लगा सकते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा डस्ट कर देते हैं जो भी पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, उसे डस्टिंग करने के बाद हम चलते हैं सीधा बेस की तरफ। थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी होती है। आईब्रो सॉकेट पे मैंने लगाया है, आउटर कॉर्नर पे मैंने 3/4 ऑफ आईब्रोज पे मैंने शिमर लगाया है, थोड़ा सा आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा, देखिए इतने में आँखें बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। मैं लाइनर और मस्कारा बाद में लगाऊंगा, थोड़ा सा मैं वापस से अपना प्राइमर लगाया, ताकि जो हमने लगाया था तकरीबन 15 मिनट पहले मैं लगाया था, तो इफेक्ट कम हो गया होगा, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ 303 फ्रॉम क्रायलन डर्मा। अब ये क्या कर रही है, अपने आप में एक अच्छा सा एनहांस करेगा फेस को। इसके जगह आप दूसरा कुछ नहीं भी ऐड करते, लाइक करेक्टर तो भी चल जाता है, ये अपने आप में ही करेक्टिंग का भी काम करेगा और स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो देता है। ये थोड़ा ट्राई कीजिएगा, थोड़ा हर बार से अलग ट्राई कर रही हूँ मैं। हम लोग बहुत बार ऐसा यूज़ करते हैं बाकी करेक्टर्स यूज़ करने की जगह। उसके बाद मैंने लिया शॉपरेल का शेड नंबर 2, जो कि अपने आप में फेयर शेड है, और फेयर शेड दिखाना ज़रूरी होता है जब ब्राइड हम रेडी करते हैं। हर किसी की डिमांड है, दीदी मुझे थोड़ा फेयर करो, सो जनरली मैं 2 नंबर का शेड यूज़ करती हूँ फिर शॉपरेल से। सो हमने अच्छे से उसको ऑल ओवर फेस लगा लिया। उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने से पहले मैंने अपने स्पॉन्ज को थोड़ा सा गीला करके स्क्वीज करके अच्छे से उसे डैप कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने उस पर मारा है क्विक फिक्स फ्रॉम अर्बन डिके, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। अच्छे से ब्लेंड करते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ फेस कटिंग और कॉन्टोरिंग की तरफ। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने फिर से स्टिक यूज़ किया है क्रायलॉन का ही, जो कि डार्क शेड है, और उसको मैंने अच्छे से ऑल ओवर फेस पे जहाँ मुझे फेस कटिंग चाहिए। मैं थोड़ा सा नेचुरल में ही जाऊँगी, बहुत ओवर नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे सोसाइटी लुक दिखाना है। सोसाइटी तो वैसे जनरली लोग बोलेंगे कि ये भी बहुत हेवी हो गया, पर हाँ आजकल इतना मेकअप चल जाता है, लड़कियाँ भी बहुत पसंद करती हैं ऐसा मेकअप। सो देखिए मैंने अच्छे से अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड कर दिया ब्लेंडर से। ब्लेंडिंग मतलब आपको जगह पर थोड़ा सा डैप डैप करना होता है, आप जब रब करते हो तो वहाँ का प्रोडक्ट निकल जाता है, तो रब करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। उसके बाद मैंने हाइलाइटिंग के लिए यूज़ किया है शॉपरेल पैलेट से एकदम व्हाइट शेड जो होता है उसका मैंने यूज़ किया है कंसीलर फॉर द हाइलाइटिंग पर्पज़। मोस्टली मैं कुछ और भी यूज़ कर सकती हूँ, पर आज मैंने वही यूज़ किया। उसके बाद मैंने वापस से एक बार क्विक फिक्स यूज़ किया है। क्विक फिक्स यूज़ करने के बाद अच्छे से मैंने फेस को ऑल ओवर फेस को मैं कर रही हूँ डैब 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 टेक्निक से मर्ज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ मुझे बेकिंग करनी, लाइक जैसे लाफ लाइन होता है अंडर आई, हमारे आँखों के नीचे जो अंडर आई होता है, या फिर वहाँ पर जहाँ झुरिया पड़ती है वहाँ पर अच्छे से मैंने उसको पाउडर कर लगा दिया है, ताकि उसके बाद जब मैं आई मेकअप करूँ तो बाकी का बचा हुआ वहीं पे गिरा और मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ।
फिर मैंने ड्राई कॉन्टोर किया है, ड्राई कॉन्टोर के लिए शॉपर यूज़ किया, शॉपर का डार्क शेड जो होता है एज कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने ऑल ओवर फेस पे हाइलाइटिंग किया है, हाइलाइटिंग के लिए आज मैंने यूज़ किया है PAC का बेका पाउडर जो कि बहुत अच्छा हाइलाइटर है, और सॉरी PAC का बेग्ड पाउडर, मैं मोस्टली बेका का यूज़ करती थी, आज मेरे मुँह से वही निकल गया। सो मैंने PAC का बेग्ड पाउडर यूज़ किया। उसके बाद मैं लाइनर लगा रही, लाइनर को मैं एक थोड़ा सा विंग दूंगी बिकॉज मुझे थोड़ा सा एक क्रिएटिविटी देनी है आंखों में, तो मैं इनर कॉर्नर में भी थोड़ा सा विंग लगाऊंगी और डबल विंग लाइनर बना रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने नीचे भी सेम इंग्लॉट का लाइनर ही यूज़ किया विंग बनाने के लिए, और थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ता है, मुझे भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं क्योंकि बहुत चलता नहीं, पर फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो ही जाएगा। मैं भी आप लोगों से बहुत नई ही हूँ, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, सो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। आप मेरे पास सीख लोगे या फिर कहीं भी सीखोगे और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ भी मतलब नहीं। उसके बाद मैंने मस्करा से जो भी एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह गिरा था आईलैशेस पे उसे क्लीन कर लिया, फिर बाद में थोड़ा सेट करने के, थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए मैंने लिक्विड लाइनर यूज़ किया। लिक्विड लाइनर कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 यूज़ किया। इसके बाद मैं लिप्स को थोड़ा सा आउट कॉर्नर बना, सॉरी आउटलाइन बना के मैंने उसको फिलिंग किया है। फिल करने के लिए मैंने PAC का फ्लैश कलर यूज़ किया, मुझे बहुत पसंद है पैलेट, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सारे कलर्स है, 12 कलर्स है, और आप इसको मिक्स एंड मैच करके कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैं ऑमरे इफेक्ट देने के लिए मैंने बीच में व्हाइट शेड यूज़ किया उसी पैलेट का, तो देखिए थोड़ा सा मतलब ऐसे एकदम पाउटेड लग रहा है फेस, और ऑलमोस्ट ये हो चुका, मतलब लिप्स आपके पाउट हो गए हैं ऑलमोस्ट, ये हो चुके। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मैंने मेकअप फिक्स कर सेट कर दिया था, वो दिखाना भूल गया हम इसमें। सो ये देखिए, आई होप ये आपको डेफिनेटली अच्छा लगा कि मैंने बहुत कोशिश की है, जान डाल दी है। तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को और मेरे यूट्यूब चैनल को, ज़रूर फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट, थैंक यू सो मच गाइस।